नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi 14 Ultra G वर्सेस Vivo V35 G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 14 Ultra में 6.35 इंच जबकि V35 G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 14 Ultra में 0.36 इंच जबकि V35 G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 14 Ultra में 219.8 ग्राम जबकि V35 G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 14 Ultra में 6.73 इंचेस जबकि V35 G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 14 Ultra में 1440x3200px QHD जोन और V35 G में 1260x2800px FHD जोन मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 14 Ultra में 89.98% जबकि V35 G में 89.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 14 Ultra में 521 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V35 G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 14 Ultra में 1 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 50 MP 1.6 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 23 mm फोकल लेंथ कैरेट 1 tilde सेंसर साइज 50 MP 1.8 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 12 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज 50 MP 1.8 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 75 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज 50 MP 120 mm फोकल लेंथ देखने को मिलता है। और V35G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 14 Ultra में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V35G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 14 Ultra में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V35G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 14 Ultra में Adreno 750 जबकि V35G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 14 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और V35G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 14 Ultra में 16 GB की RAM मिलती है जबकि V35G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8 GB, 8 GB, 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो 14 Ultra में 512 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि V35G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128 GB, 256 GB, 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो 14 अल्ट्रा में दो कलर्स जबकि V35G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 14 अल्ट्रा में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 74,890 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें V35G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 31,980 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 37,999 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 14 अल्ट्रा आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A55 5G है, तीसरा OnePlus 12R 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S24 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।